हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्मार्ट फॉर्मूला। स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे आपको आज इंग्लिश में यूज ऑफ दिस, डैट, दीज एंड दोज। मतलब दिस, डैट, दीज और दोज के प्रयोग। ओके बच्चों, अगर ध्यान दिए समझिए, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करते समय ये शब्द के लिए दिस, वह के लिए डैट, यह के लिए डैट और ये के लिए दीज तथा वे के लिए दोज शब्द का प्रयोग किया जाता है। समझे बच्चों आप? आगे ध्यान दिए, उदाहरण बताते हैं आपको। उदाहरण देखिए, ये लड़की, दिस गर्ल, ये लड़की, दिस गर्ल, वह कुत्ता, डेट डॉग, ये फूल, दी फ्लावर्स, वह गेंद, दोस बॉल्स, ये सेब, दिस एप्पल। ओके बच्चों, ये सेब, दिस एप्पल, वे केले, दोस बनानास। ओके बच्चों, समझ में आया आपके? आगे ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट देखिए, दिस तथा दीज निकटता का बोध कराते हैं। दीज, दिस का प्लूरल है, जो दीज है वो दिस का प्लूरल है। दूसरा पॉइंट देखिए, डेट तथा दोज अपेक्षाकृत दूर की संज्ञाओं हेतु प्रयुक्त होते हैं। दोज डेट का प्लूरल है। समझे बच्चों आप? जो दोज है वो डेट का प्लूरल है। आगे ध्यान दीजिए बच्चों, जैसे वह बंदर डेट मंकी। ओके बच्चों, ये हाथी, दिस एलिफेंट, ये पुरुष दिस मैन। समझे बच्चों आप? आगे ध्यान दिए, वह स्त्री, डेट वूमेन। ओके, वह स्त्री, डेट वूमेन। बच्चों, पुरुष बोलते हैं आदमी को, स्त्री बोलते हैं औरत को। ओके बच्चों, ये हमने आपको करवा दिया, बता दिए दिस, डेट, दीज और दोस्त के प्रयोग कैसे किया जाता है। ओके बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड से लाल बटन आ गए। हम आपसे मिलते रहेंगे हर रोज। टेक केयर बच्चों।